नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं झज्जर न्यूज। हरियाणा के झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। जिला प्रशासन द्वारा नेहरू कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आज कयामत की रात है और कल सभी उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद होगा और जनता किसको कितना आशीर्वाद देगी इसका पता 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट सामने आएगा तब पता चलेगा। उपायुक्त ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिले में कुल वोटर 8,01,725 है। यहाँ कुल 807 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीट पर 42 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए करीब 3,000 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले भर में 19 पुलिस के नाके और 12 पैरामिलिट्री फोर्स कंपनियाँ लगाई गई। जिला प्रशासन द्वारा जिले में 154 संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए। मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए सीसीटीवी कैमरे से जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, सभी पोलिंग पार्टीज को कंप्लीट करके अपने रिस्पेक्टिव वाहनों में भेज दिया गया है। उनके साथ जो पोलिंग ड्यूटी बूथ ड्यूटी पर जो पुलिस फोर्स है वो उनके साथ जा रही है। जो संवेदनशील और अन्य इस प्रकार के इम्पोर्टेंट बूथ हैं जहाँ पर कोई हमें कानून व्यवस्था की संभावना नजर आती है वहाँ पर हमने सफिशेंट संख्या में लगभग 2,000 के करीब पुलिस फोर्स जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो आई थी वो डिप्लॉय की है। अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं, 19 नाके हमारे इलाके में ऑलरेडी लोकेशन पे हैं और अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में पेट्रोलिंग पार्टीज भी हमने डिप्यूट की हैं जो आज और कल पेट्रोलिंग करेंगे। तो हमारा जो तैयारी है प्रशासन की बिल्कुल पूरी है और हर हालत में हम जो है इंश्योर करेंगे कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और फ्री एंड फेयर को। जिलावासियों के लिए क्या मैसेज है? मेरा जिलावासियों से अनुरोध है कि मतदान केवल आपका अधिकार नहीं कर्तव्य भी होना चाहिए और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आपकी अपनी आहुति है ये, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि 100% मतदान करें। आप कृपा करके मतदान केंद्र की तरफ निकलिए और अपना मतदान कीजिए। आपको कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जहाँ से भी कहीं हमारे को MCC वायलेशन की सूचना मिलती है हमारी FST तुरंत वहां पर कार्रवाई करती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए झज्जर न्यूज।